देख रहे हैं सच दर्शन। ये नज़ारा है पश्चिमी दिल्ली के बैंकों के बाहर का, जहाँ हर एक बैंक के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं और लोग सुबह से ही लाइनों में लगकर परेशान हो रहे हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि रोजाना सुबह से ही लोग बैंकों के बाहर आकर लाइन लगा रहे हैं और अपने बारी के आने का इंतजार करते हैं, जहाँ लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो रही है। लोग काम काज छोड़कर बैंकों की लाइनों में लगकर या तो पैसा जमा करवा रहे हैं या फिर पुराने नोटों को बदलवा रहे हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी इलाके का नज़ारा भी कुछ ऐसा ही है, जहां लगभग सभी बैंकों में लोगों का तांता लगा है और लोग रोजाना सुबह होते ही बैंकों के सामने लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। लोगों की शिकायत है इन सब के बावजूद भी उनका नंबर आते आते या तो कैश खत्म हो जाता है या फिर समय के चलते बैंक बंद हो जाता है, पर बैंक प्रशासन कोई पुख्ता कदम नहीं उठा रहा और सभी बैंक की कारगुजारी से नाखुश है। यहाँ मैं कल भी इसी टाइम पर इन्होंने 4 बजे बंद कर दिया था, दिक्कत ऐसी आई थी, इन्होंने टोकन दे दिया सुबह आ जाना, सुबह टोकन अभी भी है हमारे पास में और टोकन आप सुबह भी अब 8 बजे से खड़े हुए हैं, लेकिन जो है अंदर काम नहीं हो रहा है। क्या पैसे लगे हुए हैं यहाँ पे और यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है, कल भी आए कल भी ऐसे ही चलेगा गेट से आके और आज भी यही हाल है। बैंक में सेम अकाउंट है, इन्होंने आज पब्लिक को इतना परेशान किया है, आधी से ज्यादा पब्लिक ये तैयार है कि इस बैंक में हमारा अकाउंट होना ही नहीं चाहिए था। यहाँ से 3 गुना ज्यादा था PNB में, जो अपना निपटा के कैश खत्म कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्टाफ एक काउंटर लगा रखा है, एक ही लाइन है, लेकिन काम किसी का नहीं हो रहा, सारी पब्लिक परेशान में पड़ी है। वही बैंक प्रशासन का कहना है कि बैंकों में कैश काउंटर बढ़ाने के साथ साथ सभी कर्मचारी 12 से 15 घंटे तक काम कर रहे हैं, जिससे किसी भी ग्राहक को असुविधा ना हो। साथ ही ग्राहकों को भी धीरज रखने की जरूरत है, जहां बैंकों में पर्याप्त कैश मौजूद है जिससे लोगों की समस्या जल्दी खत्म हो जाएगी। दिक्कत तो बहुत ज्यादा आ रही है, इतनी पब्लिक है तो उसको हैंडल करना बहुत ही टफ है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, बट समहाउ मैनेज कर रहे हैं। हमारा एक ही कैश काउंटर हुआ करता था, बट इस रश को देखते हुए हमने अपने दूसरा कैश काउंटर भी स्टार्ट कर दिया, नोट काउंटिंग मशीन का अरेंजमेंट किया, सारा अरेंजमेंट करके कोशिश तो पूरी है कि जितने जनता जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम कर पाएँ करें ताकि पब्लिक को दिक्कत ना हो। बाकी स्ट्रेस तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है, रोज़ के रात के मतलब अगर 4 बजे तक पब्लिक डीलिंग है, 4:30-5 बजे तक चलती है पब्लिक डीलिंग, बट उसके बाद भी हमारा स्टाफ 8:30 से पहले कोई स्टाफ नहीं जा पाता। पब्लिक को चाहिए कि अपना थोड़ा पेशेंस रखें, सबका काम होगा, मतलब लाइन से आए सबका काम हो जाएगा, जो आए हैं काम हो जाएगा सबका, बट थोड़ी पेशेंस तो रखें, हम भी काम ही करने के लिए बैठे हुए हैं। फिलहाल लगभग सभी बैंकों पर लोगों की लाइनें सुबह से ही लग जाती हैं और बैंक भी समय से पहले खुल जाता है, पर इन सब के बावजूद भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग बैंक की कारगुजारी से नाखुश हैं। दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट, सच दर्शन।